1994 में अर्जेंटीना के बॉर्डर पर कुछ रिसर्चर्स को ज्वालामुखी में बर्फ में जमी हुई एक लड़की की बॉडी मिली और रिसर्च करके ये पता चला ये कोई 70-80 साल पुराना बॉडी नहीं बल्कि ये करीबन 500 साल पुरानी है। इतने कम तापमान में जमे रहने के कारण इसके शरीर के बाल, कपड़े और खाल सब कुछ सही सलामत मौजूद था। कहा जाता है इनके सभ्यता में 15 से 16 साल के बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी जिससे कि उनके भगवान प्रसन्न होते थे। इस बच्ची के अलावा और भी दो छोटे बच्चों के शव यहाँ से निकाले गए। 2010 में लैप्टिव समुद्री तट रशिया में एक फीमेल मैमोथ का शव बर्फ में जमा हुआ पाया गया। कई तरह के रिसर्च के बाद ये पता चला ये मैमोथ इस बर्फ में 39,000 सालों से दफन था। इतने सालों के बावजूद इसका शरीर इतनी सही कंडीशन में था कि इसके बॉडी पार्ट्स या स्किन टिश्यू में कोई गहरा नुकसान देखने को नहीं मिला और दुनिया में यही पहला मैमोथ था जिसके ब्रेन को भी सुरक्षित रूप से प्रिजर्व किया गया क्योंकि मरा हुआ शरीर पुराना होने पर उसका दिमाग सबसे जल्दी नष्ट होता है। लेकिन फिर भी इस मैमोथ का दिमाग बिल्कुल ही सुरक्षित रूप से हमें देखने को मिला। इसी मैमोथ के खोज के बाद साइंटिस्ट इसके ब्लड सैंपल से इस विलुप्त प्रजाति के जीव को क्लोनिंग करके आने वाले समय में जिंदा करने की कोशिश करेंगे। अलास्का के बाशिंदा जैक एरिक्सन को एक दिन बर्फ के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब चीज देखने को मिला। जैक को बर्फ में जमे हुए नदी के पानी में बड़े सिंह वाले दो हिरन डूबे हुए मिले जिसका आधा सिंह बर्फ के ऊपर से भी दिख रहा था। इन दोनों को देखकर ऐसा लगा जैसे ये दो हिरन लड़ते लड़ते नदी में घुस गए और बहुत लो टेम्परेचर की वजह से उसी नदी में ही जम गए और वहीं पे इन दोनों की मौत हो गई। लेकिन बाद में उन दोनों के शरीर को वहां से खोद के निकाला गया। सितंबर 1991 में दो जर्मन टूरिस्ट को बर्फ के अंदर से 1000 साल पुरानी एक लाश मिली। इसके बॉडी पार्ट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में पाए गए बिल्कुल उस मैमोथ की तरह। लेकिन रिसर्च के बाद ये बात सामने आया कि ये शरीर करीब 5000 साल पुराना है और इसके स्टमक में आज तक अनडाइजेस्टेड खाना जमा हुआ है। इसके कंधों को ध्यान से एग्जामिन करने के बाद ये पता चला कि इसकी मौत इसके कंधों पर लगी तीर से हुई। तो इन सारी घटनाओं में से आपको कौन सी घटना सबसे अच्छी लगी? मुझे तो बर्फ में जमी हुई वो लड़की सबसे रहस्यमय लगी।